कैसे हो दोस्तों, और हार्डवाइजर में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है प्रतीक और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेकेंड हैंड ग्राफिक्स कार्ड्स के बारे में। आपको वो खरीदना चाहिए या नहीं, और अगर आप खरीदना चाहते हो तो क्या क्या प्रिकॉशन आप लोगों को ले लेना चाहिए और देख लेना चाहिए ठीक से, ताकि फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों, बिना वक्त गवाए शुरू किया जाए। तो वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल में नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए अगर वीडियो को अच्छा लगे तो, और उसके साथ साथ लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए दोस्तों के साथ। पहले हम आते हैं कि सेकेंड हैंड कोई भी कार्ड्स आप क्यों खरीदेंगे। पहली बात तो यह है कि पुराना जो जनरेशन का कार्ड्स है वो काफ़ी पावरफुल होते हैं, और उसके साथ साथ जो नया जनरेशन के कार्ड आए हैं उसका प्राइस पुराने जनरेशन से बहुत ज़्यादा होता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पुराने जनरेशन का कोई पावरफुल कार्ड्स अगर रहे भी उनके पास, तो नया जनरेशन का जो फीचर है, अगर हम बात करें जैसे RTX, तो उसको पाने के लिए पुराने जनरेशन के कार्ड को बहुत सारे लोग सेल कर देते हैं। तो इनमें फ़ायदा किन लोगों का होता है, जो लोग बजट गेमर्स हैं और जिन लोगों को उतना भी ज़्यादा फीचर्स की कोई ज़रूरत नहीं है पर गेम प्ले स्मूथ होना चाहिए, ट्राई करते हैं कि उन लोगों को कोई सेकेंड हैंड GPU मिल जाए। मार्केट में आप बहुत सारे साइट है सेकेंड हैंड कंपोनेंट खरीदने के लिए, कुछ साइट्स मैं नीचे लिस्ट कर दूंगा, आप वहाँ पर जाके देख सकते हो। तो दोस्तों, होता यह है कि कुछ लोग चाहते हैं खरीदने के लिए, लेकिन उन लोगों को ट्रस्ट नहीं कर पाते, और बहुत सारे इश्यूज़ अगर कोई फ्यूचर में आ जाए इससे बहुत लोग कहते हैं कि चलो सेकेंड हैंड कंपोनेंट खरीद तो लिया, लेकिन इसके बाद वारंटी का क्या होगा, या फिर अगर फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आए तो उसका क्या होगा। तो इस वीडियो में मैं कहूँगा कुछ प्रिकॉशंस के बारे में जो आपको लेना चाहिए कोई भी सेकेंड हैंड ग्राफिक्स कार्ड खरीदने से पहले। सपोज़ आपको कोई भी ग्राफिक्स कार्ड पसंद आ गया OLX से या फिर अदर्स कोई साइट से या फिर ग्रुप से, तो आपको पहले तो देखना पड़ेगा कि उसका वारंटी कितने दिन तक वैलिड है, और उसके साथ साथ ये भी देखना पड़ेगा कि जो बिल वो बंदा आपको दे रहा है वो वैलिड है या नहीं। इस साइट में जाके आप चेक कर सकते हो कि जो बिल आपको बंदा दे रहा है उसका जो GST नंबर है वो वैलिड है या नहीं। इसका मतलब क्या कि GST नंबर अगर वैलिड है मतलब बिल्स ठीक ठाक है, और अगर फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आए और आप सर्विस सेंटर में सर्विसिंग के लिए जाओ तो आपको सर्विस मिल जाएगा। कोशिश कीजिए कि एक या दो साल का वारंटी लेफ्ट है ऐसा कोई प्रोडक्ट लेने के लिए। मैं इस मामले में प्रेफर करता हूँ Zotac, क्योंकि Zotac 5 ईयर्स वारंटी देता है। और उसके साथ साथ ये भी चेक कर लीजिए कि उस बंदे ने आप कार्ड्स खरीदने के बाद उसको रजिस्टर करवाया था या नहीं, और उसके साथ साथ आप चेक कर लीजिए कि वो जिस बंदे से आप ग्राफिक्स कार्ड खरीदने वाले हो उसने खरीदने के बाद वारंटी को रजिस्टर करवाया है या नहीं। क्योंकि बहुत सारे कंपनीज अब ऐसे हो गया है कि अगर आपको आप वारंटी रजिस्टर ना कराओ तो वो उसके बाद वारंटी आपको नहीं देंगे। आते हैं सेकंड पॉइंट में। तो कोई भी अगर ग्राफिक्स कार्ड आप खरीदने जा रहे हो तो पहले तो उस ग्राफिक्स कार्ड को थोरोली आपको चेक करना पड़ेगा। तो उस बंदे के घर पे जाइए या फिर उसको बोलिए कि आपके घर के आए, और आपका सिस्टम में या फिर उसका सिस्टम में एटलीस्ट 15 से 20 मिनट आप जो गेम खेलना चाहते हो या फिर कोई बेंचमार्क रन करना चाहते हो रन करके देख लीजिए कि ग्राफिक्स कार्ड एकदम थॉरली वर्क कर रहा है या नहीं। अगर ग्राफिक्स कार्ड ओवरहीट हो रहा है या फिर वहाँ पे आप देख लीजिए कि कूलर में कितना सारा धूल जमा हुआ है, अगर वो कूलर में बहुत सारा धूल जमा हुआ है तो उसको क्लीन करके आप ट्राई कीजिए कि हीट थोड़ा रिड्यूस हो रहा है या नहीं। क्योंकि हीट जब ज़्यादा जेनरेट होता है टाइम के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स थोड़ा डिग्रेड हो जाता है, ये तो सबको ही पता है। तो आते हैं थर्ड पॉइंट पर, जो है माइनिंग। तो 2017-2016 वो सब था क्रिप्टो करेंसी का ज़माना, तो बहुत सारे लोग ग्राफिक्स कार्ड खरीदते थे बस माइन करने के लिए, और उसके बाद अगर कोई फ़ायदा नहीं होता था उन लोगों का या फिर कोई क्रिप्टो मार्केट में क्रैश हो गया उसके बाद वो उस ग्राफिक्स कार्ड को बेच देते थे बल्क में। तो मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ है बहुत बार, क्योंकि मैं अभी तक 4-5 सेकेंड हैंड ग्राफिक्स कार्ड यूज़ कर चुका हूँ। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया। मैंने अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों के साथ शेयर किया है कि क्या क्या प्रिकॉशन आपको लेना चाहिए ग्राफिक्स कार्ड सेकेंड हैंड खरीदने से पहले। अगर आप सेकेंड हैंड कोई चीज़ खरीदते हो तो बहुत सारा पैसा आपको सेव होता है, लेकिन उसके साथ साथ जो प्रिकॉशन लेना ज़रूरी है ताकि फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो वो भी इस वीडियो में मैंने बता दिया है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल से। बहुत सारे ऐसे तरह की वीडियोज़ मैं इस चैनल में लाता रहूँगा, और उसके साथ साथ एक शेयर भी कर दीजिए दोस्तों के साथ, ताकि जो लोग सेकेंड हैंड GPU खरीदने के बारे में सोच रहे हैं लेकिन डर रहे हैं ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आ जाएगा या फिर वारंटी नहीं मिलेगा, उन लोगों तक बात पहुंचे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।